अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं तो आपको एक Google AdSense अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद से दोस्तों आपको अपना अकाउंट डिटेल उसमें ऐड करना होता है। दोस्तों Google AdSense के अंदर हम कैसे अपना अकाउंट नंबर ऐड करेंगे, सारे चीज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों देखेंगे आ गए अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर। और दोस्तों ये हमारा होता है होम पेज, और इसी के अंदर दोस्तों आएंगे नीचे में तो देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा पेमेंट इन्फो, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको YouTube इंडियन डॉलर्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे नीचे जब ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एड पेमेंट मेथड। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो होता है उसको एड करने का आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ समय लेगा और यहाँ पे जो आपका अकाउंट डिटेल होता है वो आपको यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे नेट जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे खुलकर ओपन हो चुका है और सबसे ऊपर में देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बेनिफिशियरी लिखा हुआ है और ये ऑप्शनल है। देखिए दोस्तों अगर इसमें भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको पहला जो ऑप्शन इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से दोस्तों हमारा दूसरा नंबर है यहाँ पे नेम ऑन बैंक अकाउंट। दोस्तों जो आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है सेम आपको यहाँ पे वही डालना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर आपको यहाँ पे थ्री नंबर है, ये बैंक नेम, आपको जिस बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करना है उस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे बैंक का नेम यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों जो आप इसमें बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं उसका क्या करेंगे, आप बैंक नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आईएफसी कोड डालना है, जिस बैंक को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं उस बैंक का आपको आईएफसी कोड डालना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आता है स्विफ्ट कोड। दोस्तों ये स्विफ्ट कोड क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपको बाहर मतलब इंडिया से अलग किसी भी देश से अगर पैसा मंगाना होता है तो आपको स्विफ्ट कोड डालना होता है। दोस्तों ये स्विफ्ट कोड आपको बैंक मैनेजर से मांगना होता है। दोस्तों ये स्विफ्ट कोड केवल बैंक के मैनेजर ही दे सकते हैं, आपको बैंक में जाना होगा तभी ये स्विफ्ट कोड मिल सकता है। उसके बाद से दोस्तों आएंगे यहाँ पे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आपको क्या करना है यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। और नीचे में आएंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे रीटाइप अकाउंट नंबर दिया हुआ है। दोस्तों जो हमारा ऊपर वाला अकाउंट नंबर रहेगा वही अकाउंट नंबर हम नीचे में भी अकाउंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे टिक रहने देंगे और यहाँ पे सेव कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये सारे चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सारे चीज़ हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपका सक्सेसफुल दिखाई दे देगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बैंक का अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे हमारा देखेंगे यहाँ पे नाम लिखकर आ चुका है और जो हमारा बैंक का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लास्ट का जो अंक है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा गूगल एडसेंस है उसके अंदर हमारा फाइनली यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।